हाय एवरीवन, तो आज होने वाला है पार्लर जैसा मल्टी कलर आई शेडो जो कि आप मेहंदी में स्पेशली इसको क्रिएट कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो इसी के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ, तो निविया की मैंने मॉइस्चराइजिंग क्रीम ली है। अपने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लें। उसके बाद मैंने ये पॉन्स का ब्राइट सीरम लिया है, ग्लोइंग ब्राइट सीरम। ये बहुत अच्छे से स्किन को आपको ब्राइट कर देगा और आपकी स्किन को काफ़ी स्मूथ बना देगा। इससे बेस हमारा बहुत अच्छा बनेगा, तो इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लें। सीरम ज़रूर ऐड करें अपने मेकअप में, ये बहुत अच्छा ग्लो देता है। इसके बाद यहाँ पर कंसीलर लिया है नंबर 10, जो कि है मेबेलिन का रोल ऑन कंसीलर। ये काफ़ी अच्छा और हाई कवरेज कंसीलर है। तो सबसे पहले क्या करा मैंने, इसको पहले अप्लाई किया था, फिर एक एंगल ब्रश की मदद से एक आउटर लाइन की है आईब्रो की। तो इससे हमारी आईब्रो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी और अच्छी लगेगी। इस आईब्रो सेट करने के लिए मैंने स्विस ब्यूटी की किट ली थी, उसी से आईब्रो सेट करी है। उसके बाद एक ब्रश की मदद से इस कंसीलर को स्प्रेड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, जो कि है नायका का कॉम्पैक्ट पाउडर नंबर 01। तो इसको पूरा सेट कर लेंगे अपने कंसीलर को। अब आई शेडो के लिए मैंने लिया है निका के की आई शेडो पैलेट। मुझे सबसे पहले ब्राइट पिंक कलर लेना है, जो भी आपके पास ब्राइट पिंक कलर हो उससे आपको ब्लेंडिंग करनी है क्रीज लाइन के ऊपर। और ब्लेंडिंग थोड़ी देर तक करनी पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी ब्राइट कलर है, तो अच्छे से ब्लेंडिंग करें। दोनों आइस के ऊपर इस तरीके से ब्लेंडिंग कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे ये रेड कलर, जो कि लास्ट कॉर्नर में अप्लाई करना है। पूरे क्रीज लाइन पे नहीं लेना, इसको खाली लास्ट कॉर्नर में यूज़ करना है। अब मैंने हल्का सा कट क्रीज किया है एक स्मॉल ब्रश की मदद से। हल्का मतलब हाफ कट क्रीज लिया है मैंने। अब क्या करना है आपको, ये स्विस ब्यूटी का लूज फॉइल पिगमेंट लिया है मैंने, गोल्डन कलर लिया है। सबसे पहले इनर कॉर्नर्स पर तो गोल्डन कलर अप्लाई करेंगे। उसके बाद मैंने ये इनसाइड का टर्कोइश ग्रीन है उसको यूज़ किया है, तो उसको हाफ मिडल पे यूज़ किया है। पूरे आईलेट पे नहीं लेना, हाफ पे, और लास्ट का कॉर्नर छोड़ देंगे हम। अब यहाँ पे मैंने पर्पल कलर लिया है, जो कि है ब्यूटी ग्लेस की आई शेडो पैलेट से। तो जो लास्ट वाला कॉर्नर है ना, उस पर हम पर्पल आई शेडो यूज़ करेंगे इस तरीके से, और हल्का हल्का वहीं पे ब्लेंडिंग करनी है, इनर कॉर्नर्स पे नहीं आना है। अब यहाँ पे मैंने ग्लिटर ली है, कोई सी भी ग्लिटर ले ले गोल्डन कलर की, और मिडल पे मैंने ब्लू कलर की सेम इसी से मैचिंग की ग्लिटर ले ली है, उसको अप्लाई किया है। अब यहाँ पे मैंने आईलाइनर जो लिया है वो है मेबेलिन का आईलाइनर। तो सबसे पहले उसको एज अ आईलाइनर हम मैंने इसको यूज़ किया है, विंग्ड नहीं यूज़ किया है, हम स्मोकी आईलाइनर करेंगे। अब ब्लैक कलर के आई शेडो लेके इसको हल्का हल्का स्मोक कर लेंगे आईलाइनर को, तो ये लुक बहुत अच्छी आती है। आपने पार्लर्स में देखा होगा इस टाइप का आई शेडो बहुत यूज़ होता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो इस तरीके से स्मोकी कर लेंगे। अब कोई भी थोड़ी सी हैवी आई लैशेस लें, उसको आप अप्लाई कर लें। तो आप देख सकते हो सेम पार्लर वाला ही आई शेडो आया है। तो इस तरीके से आप अपना ये मल्टी कलर आई शेडो यूज़ कर सकते हो, अगर आप मेहंदी वाले दिन तैयार होना चाह रहे हो। इसके बाद प्राइमर जो ले रही हूँ, अपना बेस तैयार कर लें। लोटस का प्राइमर यूज़ किया है, ये पोर फिलिंग प्राइमर है, तो बहुत अच्छे से आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं ना, उसको अच्छे से हाइट कर देगा। अब जो मेरे दाग धब्बे हैं उसको हाइट करने के लिए कंसीलर लिया है सेम मैचिंग का, जो कि है वेट एंड वाइल्ड का, और इसमें मेरा शेड आई थिंक 04 सेम मेरी ही मैचिंग से है, स्किन मैचिंग का लेना है आपको। तो जो भी हमारे डार्क सर्कल दाग धब्बे हैं वो बहुत अच्छे से हाइड हो जाएंगे। अब आपको मैंने नायका का फाउंडेशन लिया है, ये है वेनिला शेड है नंबर 02। तो इसको अप्लाई कर लेंगे ठीक इसके ऊपर, तो इससे हमारी जो बेस ना हाई कवरेज वाली बनेगी और बहुत अच्छी कवरेज बनेगी। आपके पास सस्ता फाउंडेशन भी हो ना, तो भी आप इसी तरीके से अगर बेस बनाओगे पहले कंसीलर लगा के, तो भी आपकी बेस काफ़ी हाई कवरेज की बनेगी। तो इस तरीके से अप्लाई कर लें। इसके बाद क्या लेना है, कंसीलर लेना है, जो कि यहाँ पे मैंने सेम वेट एंड वाइल्ड का फेयर बेज वाला लिया है। तो ये वाला एरिया हमें हाईलाइट करना है, इसको ब्राइट दिखाना है, तो हल्का वाला कंसीलर लेंगे हम, लाइटर शेड, तो और ब्रश की मदद से ब्लेंड कर देंगे। इसके बाद हमने लिया है कॉम्पैक्ट पाउडर, तो ये वाला एरिया हम कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लेंगे इस तरीके से। हल्के हल्के हाथों से इसको यूज़ करें, ज़्यादा ना रगड़ें ये स्किन। और अब हल्का हल्का हम पूरे स्किन के ऊपर भी इसको अप्लाई कर लेंगे। अब क्या लेना है, हमने लोअर लैश लाइन पर बोल्ड पिंक कलर का आई शेडो लिया है, उसी से स्मजिंग कर रही हूँ। और अब पर्पल कलर का आई शेडो लिया है ठीक, और उसी के साथ मैंने इसको मिक्स करके स्मजिंग कर दिया है। अब जो फ्रंट है वो जो इनसाइड का हमने मतलब लिया था उसी को यूज़ कर रही हूँ, स्काई ब्लू।
और कॉन्टोरिंग जो की है वो है शुगर पैलेट से नंबर 02, तो इससे पूरे फेस की कॉन्टोरिंग कर लेंगे। इसकी कॉन्टोरिंग काफ़ी अच्छी आती है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं आती ना ही ज़्यादा हल्की, और नोज़ की भी कॉन्टोरिंग इस तरीके से कर लेंगे। इसके बाद मैंने ब्लशर लिया है जो कि एस एस ब्यूटी का, ये पीची कलर का ब्लशर है, काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा और अच्छा पिगमेंटेशन है। हाइलाइटर मैंने सेम इसी पैलेट से यूज़ कर रही हूँ, शुगर का ही हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ आईब्रो बोन्स के ऊपर, और चीक्स के ऊपर भी मैंने इसी को ही यूज़ किया है। आप चाहो तो न्यूट कलर रख सकते हो, यहाँ पे बोल्ड कलर यूज़ कर रही हूँ जो कि है कलर बार की लिपस्टिक है, नंबर 05 है इसका शेड, ये फ्यूशिया पिंक कलर है। तो सबसे पहले लिप लाइनर लगा लें, उसके बाद आप इसको फिलिंग करोगे ना तो डार्क जो लिपस्टिक आप यूज़ कर रहे हो वो बहुत अच्छे से लगती है। तो आप देख सकते हो मेरा फाइनल लुक। तो इस तरीके से आप मेहंदी में स्पेशली या किसी भी पार्टी में आप इस टाइप का आई शेडो लुक क्रिएट कर सकते हो, सिंपल सेम पार्लर जैसा ही लगेगा। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।